नीट में हम पढ़ते हैं दो बुक्स और एमबीबीएस में। कभी ना कभी आपके दिमाग में सवाल तो आया होगा कि ये दो बुक्स पढ़ के जो नीट में बच्चे पास हुए वो कैसे एमबीबीएस में जाकर के इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते होंगे। नहीं पता ना, एमबीबीएस इज अ फैक्ट लेडन कोर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर फेंकी जाएगी एंड पहली बार में देखकर आपको लगेगा कि आप ये सब नहीं कर सकते हो, बट करते तो है ना लोग। कैसे करते हैं? वेलकम टू द वीडियो। फर्स्ट, द ट्रूथ ऑफ बिग फैट बुक। पढ़ना अलग होता है और रिटेन करना अलग। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये बुक ले लो, फार्माकोलॉजी की। इसमें सारी दवाइयों के नॉलेज है जो कि एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है। नाउ मोस्ट ऑफ द बच्चे देख करके इसको डर जाएंगे, अरे इतनी मोटी किताबें कैसे पढ़ेंगे। द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द बच्चे एमबीबीएस में इसका 20% भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। ज्यादा बोल दिया मैं। फैक्ट इज मोस्ट ऑफ द बच्चे एमबीबीएस में इसका 50% पढ़ेंगे भी नहीं। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि फिर पास कैसे होंगे। एंड हियर द सेकंड थिंग कम्स, द सीक्रेट विच नो वन विल टेल यू, द इम्पॉर्टेंट लिस्ट। तो हर कॉलेज में एक मटेरियल होता है जो कि जूनियर्स इनहेरिट करते हैं अपने सीनियर्स से, और जब वो सीनियर बन जाते हैं तो वो अपने जूनियर्स को देते हैं, उसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट की लिस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर। ये वो दो चीजें होती हैं जो कि बच्चे कर रहे होते हैं फॉर पासिंग देयर यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड इवन गेटिंग अ ग्रेट मार्क्स और टॉप रैंक इन यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो ये वो लिस्ट होती है जो कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए होते हैं और ये ही करके जाने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बुक में से कुछ भी कहीं से भी रैंडमली पूछा जा सकता है जैसा नीट में होता था। लाइक ये पेपर होते हैं, ये पेपर की लिस्ट है, ये तुम्हें करके जाने होते हैं एंड बस इससे तुम्हारा काम हो जाता है, पास हो जाओगे इतना करने से। तो डरने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लेडन कोर्स। द होल पॉइंट ऑफ दिस कैन बी समराइज्ड बाय सिंगल लाइन, वी एंड अप फॉरगेटिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स इफ वी डू नॉट रिवाइज। एंड ये एक फैक्ट है। आज अगर मेरे से पूछा जाए नीट के कुछ सवाल तो हो सकता है मैं ना बता पाऊं क्योंकि मैं भूल चुका हूं, मैंने रिवाइज नहीं करा है, भले ही मैंने इतनी अच्छी रैंक उस टाइम पर लेकर के आया था। नाउ भैया ये कॉन तो समझ में आ रहा है, बट ये प्रो कैसे? द थिंग इज कि क्योंकि तुम भूल रहे हो एंड क्योंकि और भी सब लोग भूल रहे हैं एंड क्योंकि देयर इज नॉट मच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल केवल एंड टाइम पे पढ़ाई चालू करते हैं लास्ट के 2-3 मंथ्स में, बिकॉज अगर तुम पहले पढ़ भी लेते हो तो यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट एनीवे। तो दिस वजह से द लास्ट 3 मंथ्स पीपल स्टार्ट टू स्टडी एंड द होल ईयर दे एंजॉय देयर कॉलेज लाइफ। And this is only possible because MBBS is not a concept rich course. Like इसमें इतना ज़्यादा concept involved नहीं है जितना physics और chemistry में था when we were preparing for NEET. And physics chemistry में obviously हमें भी पता है कि we cannot prepare in the end moment, but in biology we can prepare. So same thing is in MBBS. इसको मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। तो जैसे मान लो कि तुमने ये किताब पूरी पढ़ ली, लाइन बाय लाइन एक एक शब्द इसका पढ़ लिया, बट जरूरी नहीं है कि तुम्हें इस किताब से ज्यादा याद हो। एंड ये किताब कौन सी है? प्रिपरेटर के नोट। तो ये अकेली एक किताब है जो कि मैंने पूरे अच्छे से लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट इसका पढ़ा हुआ है एंड इसको मैंने काइंड ऑफ एनसीईआरटी की तरह यूज किया है कि एक एक पॉइंट मुझे याद हो, एक एक ड्रग में जो लिखे वो याद हो। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं इसको एज एन एनसीईआरटी पढ़ूँ या इसको एज अ थिंग पढ़ूँ कि मेरे को पूरा याद करना है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड सम गुड मटेरियल जो कि कंसाइज हो, जिसमें सब कुछ हो जितना जरूरी है। सो हियर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू प्रेपरेटर, विच इज ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो। तो मैंने सेकंड ईयर में प्रेपरेटर लिया था एंड विच इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ आई थिंक, क्योंकि इन द फर्स्ट ईयर आई डिडंट लाइक एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, मतलब मुझे तीनों ही बोरिंग लगते थे। एंड जब मैं सेकंड ईयर में आया आई थॉट कि शायद कुछ बदलेगा, शायद कुछ अच्छा लगेगा, एंड इट हैपेंड। पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी आर माई बेस्ट सब्जेक्ट्स एंड लाइक फार्मा इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट जो कि मैंने आज तक रीड किया है। पूरे 6 सब्जेक्ट में से जो भी अभी तक मैंने एमबीबीएस में रीड करें, फार्मा इज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड इट ओनली वॉज एबल टू हैपन बिकॉज ऑफ जीआरजी सर, जिन्होंने इतने अच्छे से इतना मजेदार तरीके से फार्मा सब्जेक्ट को अप्रोच किया। फार्मा टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा रटने वाला सब्जेक्ट है, दवाइयाँ मेडिसिन के नाम इतने अजीब अजीब हमें याद करने होते हैं, बट आई वॉज एबल टू मैनेज इट समहाउ एंड आई वॉज एबल टू लाइक बिल्कुल मजे से याद करें मैंने। प्रेप लेटर ऐप के और भी सारे फीचर्स हैं जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, क्यू बैंक, प्रेप टेस्ट, कस्टम मॉड्यूल्स फीचर्स। पर्सनली मैंने वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और क्यू बैंक यूज करें एंड दे वर्क वेरी गुड फॉर मी। प्रेप लेटर के पास एक बहुत अच्छी फैकल्टी भी है जैसे कि जो पर्सनली अभी तक मैंने पढ़ी है, जीआरजी सर, पैथोलॉजी के स्पर्श गुप्ता सर एंड स्माइली मैम एंड राजेश कौशल सर जो कि एनाटॉमी के हैं। आई विश कि फर्स्ट ईयर में किसी सीनियर ने मुझे प्रिपरेटर सजेस्ट कर दिया होता जिससे कि मेरी बायोकेम और लाइक एनाटॉमी अच्छी हो जाती जो कि मेरी। सो यू कैन डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन ऑल्सो वॉच द फ्री कंटेंट इफ यू लाइक इट, यू कैन बाय द सेम। ऑल्सो अभी एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है बिकॉज ड्रीम पैक 4.2 लॉन्च होने वाला है एंड यू कैन ऑल्सो यूज अ कोड PARTDCVD फ्रॉम सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट अपार्ट फ्रॉम दिस अर्ली बर्ड डिस्काउंट। फोर्थ इज द ट्रूथ ऑफ 19 सब्जेक्ट। एमबीबीएस में तुम जब आओगे तो तुम्हें डराया जाएगा कि अभी तो तुमने फर्स्ट ईयर में केवल 3 ही सब्जेक्ट पढ़े, अभी तो 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं।
एंड ऐसे ऐसे रील्स मैंने देखे जिसमें वो बोलते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है एनाटॉमी की किताब दिखा के, एंड बिलीव मी दे आर जस्ट ट्राइंग टू हॉन्ट यू, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चीजें रिपीट होती हैं, जो आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ा है वही चीज फाइनल ईयर में, प्री फाइनल ईयर में थोड़ा थोड़ा रिपीट होगी, क्योंकि वही सेम है, कोर्स सेम है, बस चीजें क्या है ना, जैसे सर्जरी में जब आप जाओगे तो एनाटॉमी काफी सारी रिपीट हो रही होगी सर्जरी, ठीक है, मेडिसिन में जाओगे तो काफी सारी फार्मा रिपीट हो रही होती है, ये होता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि 19 सब्जेक्ट कैसे पढ़ूंगा मैं, फर्स्ट ईयर के 3 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर के 3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना, फाइनल ईयर के तुम्हें बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट, नीट वर्सेस एमबीबीएस विच इज टफ। टू बी ऑनेस्ट, जितना मैं नीट के टाइम पे पढ़ता था उतना तो मैं अभी एमबीबीएस में नहीं पढ़ रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक नीट वॉज मच मोर हार्डर देन कंपेयर टू एमबीबीएस। आई डोंट नो अबाउट नीट पीजी कैसे होने वाला है, इतना तुम्हें डरने की जरूरत नहीं कि एमबीबीएस में तो तुम्हें दिन भर पढ़ना पड़ेगा, चारों टाइम पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में, बिल्कुल रॉ और बिल्कुल कलरलेस लाइफ होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छी लाइफ होती है, एंड यू विल चेरिश दिस लाइफ अपने एडल्टहुड में और जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तब। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं बताई जाती हैं एमबीबीएस के रिगार्डिंग, इनफैक्ट बताना मुझे कई बार डर लगता है, लेकिन मैं जरूर धीरे 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 अपने चैनल पर डालूंगा। सिक्स, द ट्रुथ ऑफ वर्ड्स लाइक थायोजोली डेनिडियोन्स एंड द फियर मार्केट। सो एमबीबीएस में तुम्हें हजारों दवाइयों के नाम याद करने होंगे जिनके नाम स्टार्ट होते हैं फ्रॉम थायोजोली डेनिडियोन्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सल्फासेलाजीन, मेथोट्रेक्सेट, क्लोरप्रोमेथाजीन, सिफेलेक्सिन, सिफेलोरिडिन, सिफालोथिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कर पाओगे? डर गए ना। पीपल क्रिएट फियर इन यू सो दैट दे कैन सेल देम टू योरसेल्फ। मतलब कि कुल मिला के खुद को सेक्सी दिखाना कि देखो मैं कितना पढ़ने वाला हूँ। बट द थिंग इज कि ये वर्ड्स याद करना उतना ही आसान या मुश्किल है जितना आसान या मुश्किल आपने इंग्लिश लिखना बोलना सीखा था या हिंदी लिखना बोलना सीखा था। जैसे प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड ले लो, बचपन में कितना बड़ा लगता था लेकिन अभी हमारी रोज की आदत है। दीज आर जस्ट वर्ड्स फ्रॉम मेडिकल वोकैबुलरी एंड दे विल बिकम योर नॉर्मल पार्ट वंस आप जब इसको रेगुलरली अपने दोस्तों के साथ आसपास बात करने के लिए यूज करने लगोगे। नाउ टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो काफी ज्यादा रियलिस्टिक हो गई थी एंड बिकॉज ऑफ दिस आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ टू टेल यू द लास्ट ट्रुथ, द सेवन ट्रुथ विच इज द ट्रुथ विच यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। तुम इस वीडियो को अभी छोड़ करके जा सकते हो बिकॉज ये ट्रुथ को सुनने के बाद शायद तुम्हारे को अच्छा ना लगे, तो पहले ही मैंने तुम्हें बोल दिया है। वी एमबीबीएस स्टूडेंट्स आफ्टर लर्निंग सो मेनी टर्म्स एंड एवरीथिंग still are not able to treat many of the diseases which are curable. And in fact, जब आप second year में आओगे तो आपको पता चलेगा कि in most of the cases, we give symptomatic treatment, not the curative treatment of any disease. Like, for example, किसी person को thyroid problem है, hypothyroidism है, मतलब कि thyroid gland में hormone कम बना रहा है. So we give thyroid hormone itself to the patient as a medicine. But क्या ये सही treatment है? क्या thyroid hormone कम बना रहा था? तो हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए था कि वो थायराइड हार्मोन कम क्यों बना रहा है। इंस्टेड हमने क्या किया, हमने उसे थायराइड हार्मोन डायरेक्टली दे दिया, बट इट इज नॉट अ क्योर एंड दिस हैपेंस इन मेनी ऑफ द डिजीजेस जो कि बहुत कॉमन एंड प्रिवेलेंट है, एंड दिस इज द रीजन कि लोगों का एलोपैथी डॉक्टर्स के ऊपर से विश्वास हट रहा है बिकॉज वी गिव लाइफ लॉन्ग मेडिसिन। लोगों को लगता है कि लाइक हम तो बस पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं और हम उनको जिंदगी भर दवाई देते हैं जिससे कि हमें पैसे आए, एंड ऑल्सो देर आर मेनी साइड इफेक्ट्स इन्वॉल्व इन दिस मेनी थिंग्स। सो लाइक आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड इट्स ऑल्सो लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यू डॉक्टर्स जो कि हमारी जनरेशन के हैं कि वी शुड वर्क टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम ऑफ एलोपैथिक सिस्टम। आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी एट ऑल, आई एम अगेंस्ट द थिंग विच इज हैपनिंग, लाइक वी आर गिविंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वी शुड गिव क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। अगर किसी को हाइपोथायरॉइडिज्म है तो उसे हाइपोथायरॉइडिज्म क्यों है, फिर उस पर बात करना चाहिए। आई विल से कि एमबीबीएस इज अ वेरी गुड जर्नी, बहुत ही यादगार जर्नी होगी, स्ट्रेस होता है, इतना भी नहीं होता है कि आप एमबीबीएस करो ही नहीं कर सकते, क्योंकि व्हेन आई वाज टेकिंग एमबीबीएस तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये बहुत गलत स्ट्रीम में जा रहा हूँ एंड बस याद करना होगा, बिल्कुल भी इंजॉयमेंट नहीं होगा, सब कुछ बेकार होगा, बट दिस इज नॉट हाउ इट केम आउट टू बी। इट केम आउट टू बी वेरी ग्रेट जर्नी एंड मुझे 2.5 साल हो चुके हैं एमबीबीएस में एंड आई स्टिल फील कि आई कितने जल्दी टाइम बीत चुका है, मैं सुपर सीनियर बन चुका हूँ अपने कॉलेज में एंड इट इज़ लाइक बहुत जल्दी टाइम बीतता जा रहा है, केवल 1.5 साल और बचा है मेरा एमबीबीएस की जर्नी का। एमबीबीएस नॉट हार्ड, यू विल नॉट इवन नो कि कब टाइम निकल गया, मुझे 2.5 साल निकल चुका है लेकिन इवन स्टिल आई फील कि अभी तो मैं कॉलेज में आया था एंड इसी तरीके से आई थिंक कि अगले 1.5 साल भी निकलने वाले हैं। सो इट विल लास्ट अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड यू विल बी चेरिशिंग इट ऑल योर लाइफ, सो बी हैप्पी एंड एंजॉय। वेलकम टू एमबीबीएस।